स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। आइए बढ़ते हैं आज दोपहर तक की कुछ बड़ी खबरों की। सबसे पहले खबर आ रही है कर्नाटक से, जहां कर्नाटक के बेल्लारी में मंगलवार देर शाम भारतीय जनता पार्टी भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रवीण नेट्टारू की हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार कुछ लोगों ने उन पर तलवार और कुल्हाड़ी से हमला किया। पोल्ट्री का कारोबार करने वाले नेट्टारू देर शाम अपने घर लौट रहे थे, तभी उन पर हमला कर दिया गया, जिसके बाद हमलावर फरार हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। आपको बता दें, इस पूरी घटना के बाद अब बेंगलुरु में और बेल्लारी के जो इलाके हैं आसपास, वहां बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक तनाव फैल गया है। खबर आ रही है कि इस पूरे मामले में हिंदू मुस्लिम ढंग इसको दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं PFI का नाम इसमें निकल के सामने आ रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूरी जगह उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, दंगे के जैसे माहौल बन गए हैं। लेकिन हालांकि आज अभी खबर आई है कि बेल्लारी और उस जहां ये दुर्घटना हुई थी उसके आसपास के पूरे इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है और प्रशासन मुस्तैद कर दिया गया है। अब चलते हैं बंगाल की ओर, जहां ईडी ने टीचर भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में हाल ही में पश्चिम बंगाल में ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें, कल ईडी की एक और रेड पड़ी उनकी करीबी माने जाने वाली अर्पिता मुखर्जी के दूसरे फ्लैट में, जहां उनको 29 करोड़ रुपए कैश और उसके साथ 5 किलो सोना मिला है। आपको बता दें, 5 दिन पहले ही ईडी को अर्पिता के एक दूसरे फ्लैट से 21 करोड़ कैश और तमाम कीमती सामान मिले थे। ईडी ने अर्पिता को 23 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया था और अब उनके दूसरे फ्लैट से 29 करोड़ रुपए कैश और 5 केजी सोना बरामद हुआ है। दिल्ली की तरफ चलते हैं, जहां निलंबित किए गए विपक्षी सांसद कल से संसद के बाहर धरने पर बैठे हैं। सांसद अपने निलंबन का विरोध करने के लिए गांधी प्रतिमा के सामने 50 घंटे से धरना दे रहे हैं। आपको बता दें, सांसदों का कहना है कि वो शुक्रवार तक इस धरने को जारी रखेंगे। वहीं इस धरने में कुछ महिला और बुजुर्ग सांसद शिफ्ट से बैठेंगे। आपको बता दें कि हंगामा करने के चलते लोकसभा से 4 कांग्रेस सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया, वहीं 19 राज्यसभा सांसदों को इस हफ्ते के लिए सदन से निलंबित किया गया है। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के सागर से, जहां सागर के जैन पब्लिक स्कूल से स्वास्थ्य विभाग ने एक स्कूल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का कैंप लगाया था, जहां से खबर आ रही है कि विभाग ने एक ही जो एक सिरिंज है निजी सिरिंज से करीब 30 बच्चों का टीकाकरण एक ही सिरिंज से कर दिया। खबर आ रही है कि विभाग के एक निजी कॉलेज नर्सिंग कॉलेज SVN में पढ़ाई करने वाले नर्सिंग छात्रों की इसमें ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन टीकाकरण करने वाले एक नर्सिंग छात्र ने एक ही सिरिंज से 40 बच्चों को कोविड वैक्सीन लगा दी। जब एक छात्रा के पिता की नजर इस पर पड़ी तो स्कूल में हंगामा हो गया। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस वहां पहुंच गई है। देखिए रिपोर्ट। एक ही सिरिंज दी गई, एक ही सिरिंज दी गई। एक सिरिंज से इतने बच्चों को सिरिंज लगा, कौन से सर ने बोला था आपसे? जिस सर ने भेजाया, मेरे लिए नाम नहीं पता भैया, उनका नाम क्या है? उस सर ने भेजाया था जो मैम ने भेजाया है, वो मैम क्या नाम उनका जोली मैम है। तो आपने कितने बच्चों को लगा दी एक सिरिंज से वैक्सीन? 30 बच्चों को एक सिरिंज से लगा दी? हमारे लिए एक ही सिरिंज दी गई, एक ही सिरिंज दी गई। हाँ, किसने दी है एक सिरिंज? जो गाड़ी में लेके आए थे हमारे लिए। आपको नहीं पता था कि एक सिरिंज से नहीं लगा सकती? हमारे लिए पता था, लेकिन हमने भैया से पूछा एक ही सिरिंज इस्तेमाल करना, उन्होंने कहा हाँ, तो उसमें हमारी क्या गलती, हमने कर दी एक सिरिंज इस्तेमाल। क्या नाम लिख दिया? जितेंद्र राज।